हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपको एक नई दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए कि मैक्सीरिज जो कैप्सूल है उसके बारे में आप बताइए, तो मैं आज ये मैक्सीरिज जो सिप्लाई की कैप्सूल है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, उसके बारे में आपको बताऊँगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये क्यों लेते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, कैसे लेते हैं, कितने दिन लेना चाहिए, इसमें क्या रहता है और ये कितने को मिलती है, कहाँ मिलेगी, ये सभी मैं आपको बताऊँगा। ये मैक्सीरिज जो कैप्सूल है वो सिप्ला नाम की कंपनी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, दवाई की कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, उसका ये है ये। और ये एक डिब्बी में, ऐसी जो डिब्बी है उसमें 30 कैप्सूल रहती है, ऐसे स्ट्रिप रहती है, एक में दस, एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल रहती है और ऐसे 3 रहते हैं, ठीक है। ये कैप्सूल मैंने खुद खाई है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ये देखिए, ऐसे काली कलर की सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये कैप्सूल पूरी निगलने की रहती है, मुँह में डालने की, पानी के साथ निगलने का है ये कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल है, यहाँ पे अगर आप ब्राउन कलर का लोगो पाते हो तो ये कैप्सूल है, वेजिटेरियन कैप्सूल नहीं है, ये नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल है, एनिमल सोर्स इसमें यूज किया हुआ है, तो वेजिटेरियन लोगों के नहीं खा सकते, अगर किसी को प्रॉब्लम है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल है, ठीक है। इसकी जो एक्सपायरी है वो 2 साल है, मैन्युफैक्चरिंग से 2 साल तक आप खा सकते हो, 24 मंथ्स से, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं कि कितने दिन ये कैप्सूल लेना है और कौन से टाइम पे लेना है। जनरली मैं जो मैंने रिसर्च किया है इंटरनेट पे, उसमें बताया गया है और दिखा गया है कि दिन में एक बार सुबह या फिर शाम को, मोस्ट प्रेफरेबली रात को सोने से पहले एक कैप्सूल पानी के साथ निगलने का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। ये फूड सप्लीमेंट में आता है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रासोटिकल लिखा है, तो फूड सप्लीमेंट में आता है। आप अपने नज़दीक के जो डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर आपके फैमिली डॉक्टर रहेंगे, उनसे पूछ के ले सकते हैं ये कैप्सूल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको अभी देखो, इसमें देखिए विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन B12, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है विटामिन B12 एंड विटामिन D3, अपने बोन के लिए, जो नर्व ट्रांसमिशन रहता है, जो जलन होती है घुटनों में या फिर हड्डियों में, उसके लिए बहुत लाभदायक रहता है, जॉइंट पेन नहीं होता, बोन डिफॉर्मेशन नहीं होता, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता इसमें, ये बोन फॉर्मेशन में या फिर ऐसी चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। विटामिन सी है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, बाकी के जो विटामिन है जो बहुत सी जो रिएक्शंस रहती है बॉडी में, उसके उसमें प्रिकर्सर का काम करते हैं, तो ये बॉडी में बहुत ही आवश्यक रहते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल ऐसे इंग्रेडिएंट है इसमें। और ये कैप्सूल का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है, मैंने खुद लिया, मुझे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, मैंने मेरे जो सोर्सेज से ने जो रिसर्च की है उससे पता चला है कि ये बहुत अच्छी कैप्सूल है। अगर आपको भी लेना हो तो नज़दीकी मेडिकल शॉप में जाके आप ले सकते हो, और ये दवाई सस्ती भी है, 110 रुपये में 30 कैप्सूल आती है, तो लगभग 3-4 रुपये के आसपास आपको एक कैप्सूल पड़ती है, तो ये सफिशेंट है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप दिन में थकान महसूस कर रहे हो, एनर्जी नहीं है आप में, तो ये कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, नींद नहीं मिल रही है, थक रहे हो ज़्यादा, ठीक है, तो आप कैप्सूल ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ठंडी जगह पे रखने की है, क्योंकि ये इसके अंदर ये जिलेटिन है, अगर गर्म जगह पे रखा तो ये पिघल जाता है, इसके लिए कूल जगह पे, ड्राई जगह पे ये रखते हैं, बॉक्स के अंदर रखने का, कूल और ड्राई प्लेस में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही अगर आपको दवाइयों के बारे में जानकारी चाहिए हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।